कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, सुबह हो चुकी है और मेरा तो सुबह का काम अभी करना है और मुझे खाना वगैरह बनाना है, तो आप आगे देखते रहिए। और फिर मैं छत पे आई हूँ और सुबह का व्यू आप देख सकते हो कि मैं छत पे आई हूँ और छत के ऊपर का ये पूरा देख सकते हो आप, पूरा मस्त नजरिया है सुबह का है ये। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, ये आप देखिए चारों ओर का व्यू। और फिर मैं अभी दलिया बनाऊंगी और आप देख सकते हो मैं कैसे बनाती हूँ। और मैं अभी इसमें ऑयल डाल रही हूँ, ये देखिए आप। और मैं अभी इसमें जीरा डाल चुकी हूँ, ये देखिए। और अभी इसमें कटा हुआ प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च डाल देंगे। और मैं अभी इसमें नमक और हल्दी भी डाल चुकी हूँ। और ये है दलिया, ये देखिए मैं कुकर में डाल चुकी हूँ। अभी कुकर में ढक्कन लगा के फिर रख दूंगी, फिर थोड़ी देर बाद हो जाएगा, आप देखिए। और फिर आप देख सकते हो कि मेरी दलिया बन रही है और मैं अपनी बच्ची को भी खाना खिला रही हूँ, साथ में एक ही साथ दो काम कर रही हूँ, आप देख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड, खाना खाने के टाइम पे भी उसे मोबाइल देखना होता है, मोबाइल देखेगी और खाना खाएगी। मैं बैठ बैठ के इसे खाना खिला रही हूँ और आप देख सकते हो फ्रेंड, देखिए। हाय बोल दो। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए फ्रेंड, पर मैं खाना खिलाने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने बनाई है ये दलिया और आप देख सकते हो मेरी बच्ची को वहाँ पे, वो देखिए मस्ती करने में नंबर वन है, ये हमेशा मस्ती करती रहती है हमेशा। ये देखिए फ्रेंड, हम लोग अभी साग लेने के लिए आए हैं, हमारे पीछे का प्लॉट जो है ना हमारे घर में, देखिए फ्रेंड कितना हरा भरा हरियाली है, मस्त नजरिया है, आप देखिए। ये देखिए फ्रेंड, मेरी ससुमा अभी साग निकल रहे हैं और ये जो साग है ना ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और मैं इसे अभी निकलने के बाद लेके जाऊंगी, लेके फिर इसे फ्राई करूंगी। तो फिर आप देखिए फ्रेंड आगे। और ये देखिए कि मैं भी निकल रही हूँ साग। और फ्रेंड, ये बारिश के टाइम में हर साल होती है और जितना ज़्यादा बारिश होगी ना उतना ज़्यादा होगा ये साग। और आप भी कभी खा के देखिएगा कि टेस्टी लगता है खाने में, तो आप भी कभी खाइएगा फ्रेंड और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे लगे खाने में। और फ्रेंड, जो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आप देख सको। तो फ्रेंड देखिए, इतना सारा मिला है, इतना मिला है और मैं अभी अंदर जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है तो मैं जा रही हूँ अंदर। और ये देखिए फ्रेंड, हमारे पेड़ पे अभी भी आम है, हर जगह पे खत्म हो चुका है आम, फिर भी हमारे पेड़ पे है, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं, ये वही आम है जिस आम से मैंने वो ये बनाई थी, रेसिपी बनाई थी आम की, ये देखिए ऊपर भी है और नीचे भी है। और मेरी सासूमा साग ले रही है और मैं अंदर जा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है इसलिए, और पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ पर है। मेरी बच्ची है देखिए फ्रेंड, मस्ती करने में तो सबसे ज्यादा फर्स्ट है। ए, कहाँ जा रही हो घूमने के लिए? कहाँ पर जा रही हो घूमने के लिए? ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है और फिर भी ये बारिश में भी बाहर जाना चाहती है, ये देखिए। और कुछ बोलो तो रोने लगती है, अभी रोने लगी देखिए।
ये देखिए फ्रेंड, ये पढ़ाई कर रही है, ये आप देख सकते हो कितना बिजी था पढ़ाई करने में। और फ्रेंड आप देख सकते हो कि मच्छी वाले आए हैं और छोटा छोटा मछली लेके आए हैं, और ये वाला जो छोटा छोटा मछली है ना, ये खाने में भी टेस्टी लगता है फ्राई करके खाने में। तो मेरी सासू माँ गई थी देखने के लिए और मैं भी गई, और सबसे पहले तो मेरी बच्ची गई देखने के लिए, उसे देखना है पहले। ये छोटा छोटा मछली है, गाँव की तरफ तो ज़्यादा ही मिलता है, तो आप आगे देखते रहिए फ्रेंड। और फ्रेंड अभी शाम हो चुकी है, 4-5 बजे है, अभी हम मार्केट की ओर जाएंगे और आप आगे देखते रहिए। और फ्रेंड आप देख सकते हो कि हम लोग मार्केट आ चुके हैं और यहाँ से हम अभी अंदर अंदर की तरफ जाएंगे। और फ्रेंड यहाँ पे छोटा सा मार्केट है, बहुत बड़ा नहीं है, तो तीन चार गांव के लोग ही यहाँ पे आते हैं। और ये हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, 1-2 साल ही हुआ है यहाँ पे मार्केट लगना चालू हुआ है, तो हम भी यहाँ पे आए हैं मार्केट के लिए। और फ्रेंड हमारे मतलब हमारे घर से ये नज़दीक होता है, तो हम पहले जहाँ जाते थे वह बहुत दूर था, इसलिए अब भी यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे ज़्यादा भी दुकान वगैरह नहीं है क्योंकि कम लोग आते हैं इसलिए। और मैं यहाँ पे टमाटर ले रही थी, और आप तो जानते ही होंगे कि टमाटर का रेट कितना बढ़ चुका है, सोने के भाव जितना बढ़ चुका है, टमाटर 140 या 150 है, तो मैं यहाँ पे ले रही थी। और मेरी सासू माँ आगे पूछ रहे थे कि क्या कौन सा सब्ज़ी लेना है, तो सभी ले रहे हैं सब्ज़ी। और आप आगे देखते रहिए फ्रेंड। और देखिए यहाँ पे रास्ता वगैरह भी नहीं बनाना हुआ है, बनाने के लिए यहाँ पे गिट्टी वगैरह रखे हैं, तो गांव साइड है ना, इसलिए थोड़ा लेट होता है बनाने में। और ये देखिए फ्रेंड, मेरी बच्ची ये देख के बहुत खुश हो गई है, खुश हो रही है। और देखिए अभी मार्केट के अंदर से ही लेके जा रहे हैं ये लोग, तो आप देखिए फ्रेंड। ये देखिए मैं यहाँ पे बैंगन ले रही हूँ, और सारी सब्जियाँ मैं आपको सभी को दिखाना चाहती हूँ कि क्या क्या सब्जियाँ हैं। ज़्यादा तो सब्जी यहाँ पे आधे नहीं है, और फिर भी तो जितना आता है उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। और फ्रेंड ये देखिए पत्ता गोभी है, और प्याज, आलू, टमाटर, यहाँ से ट्रैक्टर भी जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो रास्ता भी बहुत ख़राब है, उतना अच्छा नहीं है। और हम लोग सभी आए थे यहाँ पे, और यहाँ से कुछ काम था इसलिए यहाँ से हम और फ्रेंड हम यहाँ पे खाने का सामान लेने के लिए आए थे, और यहाँ से समोसे वगैरह लेके जाएंगे। और मेरी बच्ची बोल रही थी कि उसे प्याज के पकोड़े खाने हैं, तो वो भी लेके जाएंगे यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड अभी फ्राई करके निकल रहे हैं प्याज के पकौड़े, ये देखिए। और ये देखिए फ्रेंड किताब वगैरह लाए हैं, और ये हमें दे रहे हैं प्याज के पकौड़े बांध के, हमारे लिए है ये। और फ्रेंड हमारा मार्केट करना हो चुका है, अभी हम घर की ओर गाड़ी की ओर जा रहे हैं। और ये देखिए मच्छी मार्केट छोटा सा। और फ्रेंड हम घर के लिए निकल रहे हैं, और चलिए फ्रेंड मैं यहाँ पे अपना वीडियो एंड करती हूँ, चलिए बाय बाय।